अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए देखना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स है क्या। मतलब मेंटली हेल्दी हम किसी पर्सन को जब कहेंगे तो उसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। ये मैं आपको एक्सेल से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें तीन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? फील्स कम्फर्टेबल, फील्स राइट टूवर्ड्स अदर, एबल टू मीट डिमांड्स ऑफ लाइफ। फील्स कम्फर्टेबल का मतलब यह है कि एक इंसान कम्फर्टेबल रहे, अपनी एबिलिटीज़ को ना तो ओवर एस्टिमेट करे ना अंडर एस्टिमेट करे, ना तो वो समझे कि बहुत बड़ा वो सुपरमैन है ना तो वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट डिप्रेशन में चला जाए। फील राइट टूवर्ड्स अदर का मतलब यह है कि औरों के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप हों, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ लव रिलेशनशिप हो, उसके अगर मैरिड है वाइफ के साथ, या फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, बिल्कुल आइसोलेटेड रहने वाला इंसान ना हो। और तीसरा है एबल टू मीट डिमांड्स ऑफ लाइफ, मतलब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता हो कि उसे क्या क्या करना लाइफ में, उसका कोई गोल हो, कोई मिशन हो। और अगर आपके पास ये साइन सिग्नल्स मिलते हैं तो आपके पास जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। कि एक इंसान है जो हर वक्त उसे वरी रहती है, मतलब ठीक है आपको अपने फ्यूचर के लिए या अपनी डेली गोल्स के लिए आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन एक इंसान जो हर वक्त परेशान रहता है, खुशी के वक्त भी खुश नहीं होता, तो ऐसे इंसान जो है वो पुअर मेंटल हेल्थ के लिए होता है। दूसरा हमारे पास है कि वो इंसान कंसंट्रेट नहीं कर सकता। क्या आप अपना टेम्पर इजीली लूज़ कर देते हैं, मतलब आपको बात बात पे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको हर चीज़ से डर लगता है, अक्सर डर लगता है। एक तो होता है कुछ लोगों को भूत वगैरह से डर लगता है, अंधे से डर लगता है, लेकिन कुछ लोगों को कोई रियल कॉज नहीं है, उसके बावजूद बार बार डर लगना, तो ये भी पुअर मेंटल हेल्थ की निशानी है। और इसके अलावा आपको ऐसा लगता हो या किसी पर्सन को ऐसा लगता हो कि जो भी सारी बातें हैं उसमें सारी बातें उसी की राइट हैं, ठीक है, और जो दूसरे जो भी कहते हैं वो सब उसके गलत है या उसके खिलाफ है, तो अगर ये इनमें से कोई भी साइन सिम्टम आपके अंदर पाया जाता है तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब मेंटल हेल्थ पुअर हो उसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? तो देखिए इसकी तीन कॉजेज हैं, ऑर्गेनिक कंडीशन, हेरिडिटरी और सोशियो पैथोलॉजिकल कॉजेज। ऑर्गेनिक कंडीशन बेसिकली हमारी बॉडी से रिलेटेड है कि आपके माइंड में जो आपको डिजीज हो, जैसे सेरिब्रल डिजीज होगी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगी, एंडोक्राइन डिजीज होगी, कोई भी आपके पास ब्रेन की डिजीज़ है जो आपके पास आपकी बॉडी से रिलेटेड है तो वो ऑर्गेनिक कंडीशन में आती है। हेरिडिटरी ये आपके पास कि जो आपको पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिली है, और ये आपके पास अक्सर मेंटल हेल्थ की जो डिजीज है वो हेरिडिटरी भी होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया या सिज़ोफ्रेनिया से बोल लें, तो ऐसे पेरेंट्स जिनमें सिज़ोफ्रेनिया होता है उनके बच्चों में सिज़ोफ्रेनिया होने का चांस 40 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ते हैं। सोशल पैथोलॉजिकल कॉजेज में देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जो मोस्टली कॉमन आजकल हमारे यहाँ हो रहा है कि वरीज़ है, एनजाइटीज़ है, इमोशनल स्ट्रेस है, टेंशन वगैरह, फ्रस्ट्रेशन है, या मैरिज में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रही हैं, ब्रोकन फैमिलीज होती है जो बच्चों को मोस्टली माइंड पर अफेक्ट करती है, गुरबत, रिजेक्शन, और इसके अलावा पॉवर्टी वगैरह सारी इसमें कॉजेज आ सकती है। सोशली या फिर जितनी भी रीजंस हैं वो सारी इसमें आ सकती हैं। अब हम डिफाइन करते हैं मेंटल हेल्थ को कि ये बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल और इसकी सराउंडिंग। एक इंसान जो बैलेंस रखता है अपने अंदर और सराउंडिंग के अंदर तो वो मेंटली हेल्थ की डेफिनेशन आती है। क्लासिफिकेशन देखते हैं मेंटल हेल्थ की डिजीज की, मेजर इलनेस और माइनर इलनेस। मेजर इलनेस वो है कि जो मेनली आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसमें बॉडी ज़्यादा सीवियर होती है। माइनर वो है जो आपके पास लेसली इफेक्ट करती है। मेजर इलनेस में सबसे पहले शिज़ोफ्रेनिया या सिज़ोफ्रेनिया, जो भी आप प्रोनाउंस करें, इसमें क्या होता है पेशेंट अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, मतलब अपने ही माइंड में सब कुछ सोचता रहता है, अपने माइंड में सब कुछ करता रहता है, उसे बाहर की दुनिया से नज़र नहीं होता। उसके अलावा उसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजंस वगैरह होते हैं। अब हेलुसिनेशंस क्या होता है कि आपके पास कोई भी बाहर से स्टिमुलस ना हो, उसके अलावा आपको कोई सुनाई दे, मतलब फॉर एग्जांपल बाहर से कोई नहीं बोल रहा लेकिन आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, सामने कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब विजुअल स्टिमुलस नहीं है लेकिन आपको कुछ नज़र आ रहा है, या फिर किसी चीज़ का टेस्ट आपको महसूस हो रहा है जबकि आपने वो चीज़ मुंह में डाली ही नहीं, उसका टेस्ट महसूस नहीं किया, तो हेलुसिनेशंस क्या होता है कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस के बगैर आपको कोई चीज़ फील होना। डिल्यूजंस ये है कि फॉल्स फॉर्म बिलीफ, कि आपको एक पेशेंट है जैसे जिसको डिल्यूजंस होते हैं तो वो ये यकीन रखता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है, या फिर उसने सपोज करें कि कोई मुल्क आज़ाद किया, या फिर वो किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर है, तो ये उसका फॉल्स फॉर्म बिलीव है, उसके मुताबिक वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो रियलिटी नहीं होती, तो ये होता है डिल्यूजंस। तो सिज़ोफ्रेनिया में दोनों कंडीशन आपके पास आते हैं, हेलुसिनेशंस भी आते हैं, डिल्यूजंस भी आते हैं। अगर हम केमिकली देखें तो डोपामिन सेरोटोनिन का इंबैलेंस होता है ब्रेन में, और ये मोस्टली मैंने आपको पीछे ही बताया हेरिडिटरी होता है। मेजर डिप्रेसिव साइकोसिस जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, देखिए नाम से पता लगा बाइपोलर, इसमें ना दो फेजेज हैं, एक है हाइट्स ऑफ एंगर, मतलब एक तरफ तो पेशेंट ऐसा बिहेव करेगा कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एंगर है, और दूसरे ही टाइम वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सैड हो जाएगा। तो पहले एंगर, हाइट्स ऑफ एंगर, हाइट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, दूसरी साइड पर डिप्रेशन, तो दो फेजेज हो गए, या फिर दो उसके कहें कि
शख्सियत के दो रूप हो गए उसके। तीसरा आ गया पैरानोइया। पैरानोइया क्या है कि आपके पास पेशेंट जो है उसको ये लगता है ज़हनी तौर पे कि कोई ना कोई उसको मार देगा, या फिर वो हमेशा डिफेंसिव बिहेवियर होता है, तो सबसे बचने की कोशिश करता है और अग्रेसिव बिहेवियर होता है उसका, मतलब हर वक्त उसे अपने मारे जाने का या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है उसका डर लगा रहता है। माइनर इलनेस में हमारे पास आता है न्यूरोसिस और साइकोन्यूरोसिस। इसमें आपके पास माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया। डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि इंसान अपने आप को ख़त्म करने के सुसाइडल थॉट्स उसे वगैरह आते हैं, या फिर उसको किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। पर्सनैलिटी करेक्टर डिसऑर्डर आमतौर पर ये बचपन से रिलेटेड होते हैं कि जो माँ बाप में बच्चे लड़ाई देखते हैं या फिर उसके कोई मिसहैप हो जाता है तो उसकी वजह से उनका मेंटली ग्रोथ नहीं होती और वो उनका करैक्टर सही तरह डेवलप नहीं होता, तो पर्सनैलिटी करैक्टर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उनमें। कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान जो सबसे कॉमन है वो डिप्रेशन है। आपने सुना होगा हर तीसरे बंदे को डिप्रेशन हुई होती है। शिज़ोफ्रेनिया जिसमें इंसान अपने आप में मगन रहता है। एपिलेप्सी जिसे हम कहते हैं दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो पेशेंट होते हैं इनको लगता है कि सब कुछ गलत है, वो हर चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बुक साइड पर पड़ी है तो वो उसको सीधी तरह रखने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ से वो ऑब्सेस होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरह आपके पास क्या होगा, एंगर होगा, एक्सट्रीम बिहेवियर होगा, दूसरी तरफ डिप्रेशन होगी। अब जो हमारे पास एम्स है मेंटल हेल्थ सर्विस के वो क्या क्या है, इसको कंपोनेंट्स बोल लें, एम्स बोल लें, कि आप अर्ली डायग्नोस करें और उसके बाद ट्रीटमेंट करें, अगर वो ठीक नहीं हो रहे फिर उन्हें रिहैबिलिटेशन भेजें, उनके मेंटली तौर पर साइकोथेरेपी करें, उनकी फैमिली वगैरह की मेंटल हेल्थ एजुकेशन करें, उनके पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ एजुकेशन, और उसके बाद ड्रग्स में आपको साइको एक्टिव ड्रग्स दें ताकि उनकी मेंटली जो कंडीशन है वो ठीक हो सके, और जब वो ठीक हो भी जाए तो उन्हें आफ्टर केयर सर्विसेज दी जाए। अब क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उसमें तीन हिस्से हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन बेसिकली ये है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं आई तो उससे पहले आपने प्रिवेंशन करनी है कि आप पॉजिटिव एजेंट है या फिर आप डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट को ठीक करें, अगर आपके रिस्क फैक्टर है उन्हें कम करें। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपके पास डिजीज़ हो गई है तो आप उसे डायग्नोस करें स्क्रीनिंग के जरिए और उसको फिर ट्रीट करें। टर्शरी प्रिवेंशन में डिजीज़ उस हद तक बढ़ गई है कि अब उसे बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, तो जो इसके साइन सिम्टम्स है उसको ट्रीट किया जाए, कुछ हद तक ठीक किया जाए और पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ये सारा आपको डिटेल है, आर्टिकल रिपोर्ट है, इंसिडेंस प्रेवलेंस बताया हुआ गया। अब ये क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ। कॉजेज क्या क्या है, अभी हमने पीछे देखा था ऑर्गेनिक थे, हेरिडिटरी थे और साइकोसोशल थे। वेरियस कंपोनेंट्स या फिर एम्स भी हमने देख लेते। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।